ये क्या ऑगी, ऑगी क्या है पप, ऑगी क्या है पप। खैर तुम तो कुछ की नहीं हो, फिर भी थोड़ा डांट सुन लो। ये क्या है लुची पप, ये क्या है लुची पप पप, ये क्या है लुची पप, ये क्या है पप। मतलब क्या ही बोला, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन फिर हम सोचे जो मेरे साथ हुआ बहुत सारे पेट ऑनर्स के साथ होता है, जो पहले से डॉग रखे रहते हैं उसके बाद रैबिट लाते हैं या बर्ड्स लाते हैं, उनका डॉग उनके रैबिट या बर्ड्स को मार देता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और अगला बार कोई पेट लाएँ तो उसको हमारा डॉग ना मारे उसके लिए क्या करें, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए, जैसे ही घर पे हम एंटर किए, ये था मेरा बड़ा वाला खरगोश जो कि 4-5 महीना से मेरे साथ था। ये एकदम हिल डुल ही नहीं रहा था, पहले तो हमको लगा ये मर चुका है, लेकिन जब इसको हाथ में उठाए तो हल्का हल्का हिला, हमको लगा कहीं इसका रीढ़ का हड्डी तो नहीं टूट गया, अगर रीढ़ का हड्डी इसका टूट गया होता तो मतलब इसका लाइफ तो बद से भी बदतर बन जाता, इसको रेंग रेंग के सब काम करना पड़ता अपना, मतलब बहुत दिक्कत था, हमको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्या होगा इसका। फिर हम अंदर घुसे, अंदर जैसे ही बढ़े हम देखे टेबल के नीचे में एक छोटे वाले खरगोश का लाश, जिस खरगोश को हम कल ही लेके आए थे, और ये जो बड़ा वाला है ये मेरे साथ 4-5 महीना से है, और इस दोनों का ये हाल करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही नालायक कुत्ता है जो मेरे पीछे में भी घूम रहा है रेड कलर का पट्टा पहन करके। लुकी आता देखिए, छोटा वाला को मार दी लूशी। ये ऑगी है, खैर ये तो कुछ नहीं किया, ऑगी कुछ नहीं किया क्योंकि ऑगी बंधी हुई थी, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं जब हम रूम में इंटर किए ऑगी बंधी हुई है, लूसी खुली हुई है, तो पिंजरा साइड में रखा हुआ था, उसको घींच के लूसी ही लाई होगी, ऑगी नहीं। मतलब कि यहाँ पे भाई हम पूरा होपलेस हो गए थे, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या ही बोले। अंछी आइए, खैर देखिए ऐसा सीन अगर आपके साथ होता है तो सबसे पहले आप तो देखिए, पहला बात आप कोई पेट रखिए तो उसको तो अपने डॉग के साथ मिलाइए, जैसे कि हम अपने बड़े वाले रैबिट के साथ किए थे, तो वो जिंदा रहा क्योंकि वो डॉग बिहेवियर जानता था, और अगर आपका डॉग किसी एनिमल को मार दे तो आप उसको मारिए मत लेकिन डराइए, जैसा इस वीडियो में हम कर रहे हैं उसके साथ, हम डंडा से उसको बहुत डरा रहे हैं, उसके जहन में डर बैठा रहे हैं कि बेटा अगले बार से अगर तुम कोई जानवर को मारोगे तो तुमको भी हम मारेंगे। इसको हम एक भी डंडा नहीं मारे, आप लोग गौर से देखिए एक भी डंडा लूशी को नहीं लगा है, इसलिए कोई ये तो बोलना मत कि तुम अपने डॉग को बांध करके मार रहे हो, पहला चीज़ हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। गौर से दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लो, एक भी डंडा लूशी के बॉडी में टच नहीं हुआ है। और दूसरा आपको काम ये करना है कि आपके जिस जानवर को आपका डॉग मारा है उसको दिखाइए, सुंघाइए, बोलिए ये क्या है, जैसे भी हम लूशी के साथ किए और अब ऑगी के साथ करेंगे। देखिए ऑगी को ही दिखाए, उसके ऊपर हम चिल्ला रहे हैं ये क्या है ये क्या है, आप लोग वीडियो के बैकग्राउंड में सुनिए। बस ऐसे ही आप लोग को करना है और हल्का मारना है, हाथ से मारिए डंडा से मत मारिए, डंडा से हम डराने के लिए यूज़ किए थे, ठीक है, ऐसा कोई भी इसको हम प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें ये कोशिश करना है कि हमारा डॉग्स हमारे पेट्स पे अटैक ही ना करें, उसके लिए आप सबको एक साथ खोल के रखिए। वैसे जो मेरा बड़ा वाला रैबिट है और जो डॉगी और लूशी, ये तीनों साथ में खुला हुआ रहता था। हाँ YouTube पे तीनों का हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम थोड़े आलसी टाइप आदमी हैं, लेकिन कहिएगा तो वो तो बच गया है, हम आगे ज़रूर डालेंगे। पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी चैनल पे डॉग और अदर पेट से रिलेटेड बहुत सारा और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, तो वो सब आप लोग मिस नहीं करिए। हम बहुत हेवी हेवी वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो आप लोग बस इतना ही बोलेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। खैर ये तो थोड़ा सैड वीडियो था, अगला वीडियो देखिए क्या आता है, जो भी आएगा
तगड़ा आएगा। क्या है यार, तुम तो कुछ